afternoon students. Welcome to our online classes from Civilized Education System. This lecture for 6th and 7th class students. This is lecture for English A. We are going to reading third lesson. This is the first lecture of third lesson. The topic is Eid al-Adha. जैसे कि नाम से आपको पता है कि Eid al-Adha एक festival है हमारा, ठीक है? और इसके reading करेंगे हम, explanation पढ़ेंगे इसमें. Point number one is a festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace and sacrifice. Festival यानि के त्यौहार जो होते हैं या culture यानि के जो आपके culture से होते हैं वो सारे क्या होते हैं कि celebration जो है किसी खास मौके के ऊपर आप करते हैं जिससे कि मदद से क्या होता है हमारे इंसानों में आपस में भाईचारा जो का जो सेंस है वो क्रिएट होता है, कायम होता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के साथ अमन भाईचारा बढ़ता है और कुर्बानी का जज्बा जो है वो बेदार होता है अमंग द पीपल लोगों के दरमियान. द सेलिब्रेशंस अलाउ द पीपल टू रिजॉइस देमसेल्व्स बाय लीविंग द डेली रूटीन्स. अब ये सेलिब्रेशंस जो होती हैं, जैसे हमारे ईद फेस्टिवल्स आते हैं, ईद उल अज़हा आती है या ईद उल फितर आती है, तो हम क्या करते हैं, हम सारा दिन जो तमाम लोग होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके हैप्पी मूड में होते हैं, इंजॉय करते हैं, और जो हमारी डेली रूटीन होती है उससे हम हट के अपने जो ज़िंदगी को थोड़ा सा गुजारते हैं, लोगों से मिलते हैं. विच हैव मेड देयर लाइफ डल एंड बोरिंग. अब जो डेली रूटीन होती है, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब वाले जॉब के लिए जाते हैं, तो वो डल हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में एक सही रूटीन के साथ, तो उससे हट के जो है आपको बोर होने से बचाता है, इसमें आप उन लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आप सारा साल नहीं मिलते. हम रीडिंग कर रहे थे अभी पेज नंबर 28 पे, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 29 पॉइंट नंबर 2. डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स टू सेलिब्रेट. अब पूरी दुनिया की जो कौमें हैं वो भी अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार जो है वो मनाती हैं, लेकिन किस तरह उसको सेलिब्रेट करती हैं. मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन. मुसलमान जो सारी दुनिया के हैं वो दो त्यौहार मनाते हैं, उनकी सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लव एंड केयर के साथ. डिवोशन का मतलब है लव एंड केयर, ठीक है. वन इज़ नोन एज ईद उल फितर वाइल द अदर इज़ नोन एज ईद उल अज़हा. एक हमारी ईद उल फितर है जो कि आफ्टर रमज़ान जो है 30th जो हम रखते हैं फास्टिंग के बाद, हम जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं शव्वाल के महीने में. सेकेंड इज़ नोन एज ईद उल अज़हा जो कि ईद उल अज़हा की है, जो हज के जो है परफॉर्मिंग के बाद जो है आप जो है इंजॉय करते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड मदीना मुनव्वरा आफ्टर लीविंग मक्का मुकर्रमा. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा पहुँचे, पीपल टोल्ड हिम डैट दे यूज टू सेलिब्रेट टू फेस्टिवल्स एवरी ईयर. वहाँ के रहने वाले लोगों ने कहा कि हम हर साल दो त्यौहार जो है वो साल में मनाते थे. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर. क्या मैं तुम्हें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें, मुझे बताना नहीं चाहिए कि तुम्हें साल में जो है सेलिब्रेट करने के लिए बेहतरीन किस्म के तुम्हें मैं फेस्टिवल या त्यौहार बताऊं. पीपल रिप्लाई इन अफर्मेटिव. उन्होंने जो है मजबूत जवाब दिया, हाँ में जवाब दिया लोगों ने. ही बैड देम टू सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप दो फेस्टिवल यानी कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा साल में सेलिब्रेट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज, ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज द लास्ट इस्लामिक मंथ. वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम. अब जैसे आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा जो है हम 10 ज़िलहज को, जब 9 ज़िलहज को हज हो जाता है उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं. ये हमारा जो है आखिरी जो है इस्लामिक मंथ है. हम सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अज़हा नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में. अल्लाह ऑलमाइटी टोल्ड हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन अ ड्रीम टू सेक्रीफाइस हिज सन हज़रत इस्माईल. और ये सबको पता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल ख्वाब आते रहे कि आप अपने अल्लाह की राह में अपनी सबसे अच्छी कीमती चीज़ जो है वो कुर्बान करें, सेक्रीफाइस करें. एट दी एंड जो आपने ड्रीम देखा था उसमें आपने फिर अपने सबसे प्यारी चीज़ आपके आप बेचे थे उनको जो है हुक्म हुआ था, तो आपने उनको कुर्बानी देने के लिए इरादा बांधा था. ही बिकेम रेडी फॉर डेट. आप उसके लिए तैयार हो गए थे, बट अल्लाह ऑलमाइटी सेंट आवर रैम. और फिर आपने जो है अल्लाह पाक ने आपके जो है जगह पे एक भेड़ जो है वो मेमना सा जो है भेज दिया था. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेक्रीफाइस द रैम इन प्लेस ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जो कुर्बानी दी गई थी वो आपने उस रैम की, उस जानवर की जो है आपने दी थी. आई होप कि पेज नंबर 29 तक आपको रीडिंग समझ आई होगी. बार बार इसको सुने, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में यही कहती हूँ, जब आप वापस आएंगे आफ्टर वेकेशन तो आपसे रीडिंग सुन के समर वर्क में आपको नंबर इंक्लूड किए जाएंगे. तो यू मस्ट रीड. Till then, Allah Hafiz.